ज्वेलर साहब। ओ पंचू दादा, छोड़ो भी चोटी, क्या करते हो? सुबह हो गई ना पंचू दादा। चिड़ी कहाँ है? नल पर गया होगा। तो हीरा, गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग पंचू राजा, ठीक से पत्ते लगाना, मैं तुम्हारी रानी को पकड़ ही लूंगा। हाँ, तो लगा दो थोड़ा माल। हाँ, बनी गई तो वक्त है। लेकिन दादा, अभी तक तो एक भी पेपर नहीं बिका, चाय का भी वादा है, लेकिन एक सिगरेट लगाता हूँ रानी पर। हो जाए? ओ यस, देख ली रानी? हाँ हाँ, लग गई रानी पे। अरे बेटा चोटी, पकड़ ली रानी। धत तेरे के, आज सारा दिन पनौती का जाएगा। वाह वाह, आज की महफिल खूब जमी। अच्छा याद रखना, आज रात को शेख बद्रीदास के बंगले पे मुचरे। हाँ जी हजूर। दादा कमाल है, किसी का धंधा बंद और किसी का धंधा चालू। अरे तूने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है, जा अपने अखबार बेच। ठीक है दादा, अखबार ही तो बेचता हूँ, थोड़े ही चले बेचता हूँ। फ्री प्रेस, आज की नहीं ताजा खबर है फ्री प्रेस। ओके दादा, बाबा टाटा। आज की नहीं ताजा खबर, मॉर्निंग फ्री प्रेस। वाह, आज तो बहुत जल्दी उठ गया रे। हाँ दादा भैया, सबक याद करना था, एग्जाम जो नजदीक है। वो क्या होता है? एग्जाम नहीं समझे? एग्जाम यानी इम्तहान। अब बुलाना, आएगा ना? कोशिश तो कर रहा हूँ दादा भैया। देख, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, जब हम फुटपाथों पे थोड़े सोया करेंगे। हमारा अपना एक छोटा सा मकान होगा, उसमें हम आराम से रहेंगे, अच्छा खाएंगे और अच्छा पहनेंगे। ठीक है? हाँ दादा भैया। तू पढ़, मैं जब तक मुहत हो के आता हूँ। ओए पंजू सेठ, ऊचे सलाम अलैकुम लाला, ऊचे अच्छी कैसे? अच्छी सलाम भाईजान, सलाम। सिर्फ सलाम देगा या लाला का हिस्सा भी चुकता करेगा? वल्ला किस बात का फिक्र करती लाला, कुछ पहला तरीका थी, हम तुम्हारा हिसाब चुकाते। को पहला तरीका कौन सा? तुम्हारा पगार लगने वाला है। कुछ हमारा पगार नहीं लगती, कुछ पब्लिक का पगार लगते। हमको बनाते वाला कोई बकरा लाल करेगा क्या? देखो वो सिगरेट पियो, वो गम गलत कर। सिगरेट पीजिए और गम गलत कीजिए, एक आने में दो मिलती है मेहरबान। एक आने में दो सिगरेट पीजिए, असली वर्जीनिया का बना हुआ भारतीय सिगरेट, असली वर्जीनिया का बना हुआ भारतीय सिगरेट, केवेंडर सिगरेट पीजिए। केवेंडर 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 सिगरेट पीजिए। पैसा नहीं होता है तो बस में काहे को चढ़ती हो? बस अपने घर की समझ रखी है क्या? बस तो तुम्हारे घर की भी नहीं प्यारे। अरे बस, इतना लंबा आदमी? लंबा नहीं जी, 500 पे खड़ा हूँ। देखो ना, अभी चवन्नी किधर को खो गया तो हम क्या करेगा? अजी कंडक्टर साहब, आदमी का भरोसा नहीं कब चलते चलते गिर जाए। मेम साहब की चवन्नी तो छोटा सिक्का थी, इसलिए पियो और गम गलत करो। आप उतर जाइए ना। एक ही स्टॉप तो रह गया है, अगली पर उतर जाएगा। अगले पे इंस्पेक्टर आ गया तो हमारी नौकरी को स्टॉप लग जाएगा। मेहरबानी करके उतर जाओ, पब्लिक का टाइम मत खराब करो। पंचू दादा को देखा क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। आप भी पीजिए और गम गलत कीजिए मैम साहब। अभी क्या गम गलत करेगा? जाने को पैसा नहीं है, मैम साहब को बोलेगा तो वो बम मारेगा। तो मैम साहब को भी पिलाना, गुस्सा काफूर हो जाएगा। तुम काहे को खाली पीली मस्करी करता हमारे साथ? अरे हम क्या मस्करी करेगा, मस्करी तो ऊपर वाले हवालदार ने ऐसी की है कि 8 घंटे इस कड़कती धूप में जमीन और आसमान के बीच इन 500 पे खड़े रहना पड़ता है। काय को? अभी तुम भगवान को हवालदार बोला? जी हम ऊपर वाले को हवालदार बोलते हैं।
ये नीचे वाला हवालदार रात को ठीक से सोने नहीं देता और ऊपर वाला ठीक से खाने को नहीं देता। बात तो मजे की करता है तू। बात तो मजे की करता हूँ, पर लोग समझते किधर हैं? पर हम तो समझता है। आपके पास जाने के लिए पैसे नहीं है, मुझसे ले लीजिए। तुम देगा? अच्छा लाओ, पर कल वापस देके जाएगा। हाँ तो आइए मेरे साथ। किधर? सामने फाउंटेन तक। अच्छा देखिए वो दवन्नी नजर आ रही है ना, ठा लीजिए। अच्छा ये तो खोटा है। खोटा है? अच्छा तुम खाना लेकर आओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अच्छा। अरे पर तुम तो अपना नाम बोला नहीं। आपने पूछा ही कब? अभी पूछता है, बोलो ना। अशोक, और आपका? मेरा नाम सुनु मंगेशकर। अभी हम खाना देके आता है। माफ करना, गलती देख के नहीं चलते हो क्या? गलती हो गई। दादा ये बटुआ आपका गिरा ना? बटुआ मेरा? हाँ 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 ठीक समझ। ना आज तो मेहरबान मालूम होता है वाला। थैंक यू ऑल दैट। 20 रुपए श्री की फीस के और 5 अपने दाने पानी के लिए। क्या बात है दादा, ले पकड़। इस बात से एक सिंगल चाय और गर्मा गर्म भजिया हो जाए। मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन दादा ये क्या है? क्या दादा, ये तो किसी दवाई का आइडिया लगता है। दवाई है? तो शायद वो किसी बीमार के लिए दवाई लेने जा रहा होगा। यार छोटी साहब मामला गड़बड़ हो गया। मेरे ख्याल में वही आदमी था जिसके साथ मेरी टक्कर हुई थी। ला मुझे दे। अरे दादा उसको बाद में ढूंढना, पहले चाय पानी हो जाए। नहीं छोटी, यार किसी की जिंदगी का सवाल है, जाने दे। अरे दादा। क्या है? अरे कैसे आदमी हो यार, मुझे फटकार कर निकल गया, उस गरीब को यहीं छोड़ दिया। मेरा बटुआ? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लो। थैंक यू वेरी मच। पैसे तो गिन लो। गिनना क्या है भाई साहब, अगर ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलते तो मैं अपनी बच्ची की दवाई ना खरीद पाता। आपका बड़ा एहसान। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। अभी जाओ भी ना, बच्चा घर में बीमार है, यहाँ खड़े बातें कर रहे हो। जाओ जाओ। ये रही आपकी बस। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो ये कंपनी वाले मेरे आधे पैसे काट लेंगे। तुम क्या रोज यही काम करता? रोज नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन। और बाकी दिन? बाकी आराम, बेकारी और मौसी का बचा हुआ खाना। देखो तुम कल ब्रेकफास्ट करता मेरे घर पे, काय को तुम ये बचा हुआ खाना खाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। कहाँ है आपका बंगला? 3 बत्ती पे लेफ्ट को, पीला बंगला, 10 नंबर, पूछ लेना। अच्छा कभी वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। हाँ डेजर्ट्स, गोपाल मराठे। यस सर। अनूप शर्मा। यस सर। शोभा जावन। यस सर। श्री कुमटेकर। यस सर। श्री कुमटेकर। यस सर। फीस लाए? नो सर। श्री कुमटेकर। यस सर। फीस लाए? नो सर। जब पुकारता हूँ हाजिरी तो कहते हो यस सर यस सर, और जब मांगता हूँ फीस तो कहते हो नो सर नो सर। सॉरी सर, कल फीस जरूर ले आऊंगा। सॉरी व्हाट? सॉरी, टालने से काम नहीं चलेगा। पूरे 2 महीने हो गए हैं, अगर तुम इस क्लास में सबसे होशियार लड़के ना होते तो तुम्हारा नाम कब से कट गया होता, समझे? एक तो फीस नहीं लाते, ऊपर से शरारत करते हो,
ये क्लासरूम है या तुम्हारा डांसिंग हॉल है? सर सर वर्ड सर सर स्टैंड अप ऑन द बेंच सर, इसका तो कोई दोष नहीं था। तो क्या दोष मास्टर जानकी दा का है? क्या मैं इसका दुश्मन हूं? बैठ बैठ। हाँ, अच्छा बच्चों, कल मैं क्या पढ़ा रहा था? जहांगीर। हाँ, अच्छा बच्चों ये बताओ कि जहांगीर की शादी नूर जहां से कब हुई थी? चिमू तुम बताओ। 13 जनवरी सन 1950। लानत है, 13 जनवरी 1950। अरे फूल, उस दिन तो मेरी शादी हुई थी और आज तक पछता रहा हूँ। तो क्या आपकी शादी बेगम नूरजहां से हुई थी? शटअप शटअप, बैठो बैठो। नोटिस, नोटिस, हिंदुस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों ने कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में टेस्ट मैच जीत लिया है। अरे वाह, इसलिए आज गेम्स डे मनाया जाएगा और आधे दिन की छुट्टी। अब तो छुट्टी हो गई, चलो ना। चलता हूँ सुधा। श्री, तुम रोज भी क्यों बुलाते हो? दादा भैया देते ही नहीं। तो भाभी से ले लो ना। मेरी भाभी नहीं। अच्छा, तो कल मैं अपनी माँ से ही आऊंगी। नहीं नहीं शोभा, मेरे दादा भैया बहुत अच्छे हैं, कल जरूर दे देंगे। अच्छा, अभी तो हंसो, हंसो ना। एक दो ऊपर से आई बस, एक दो दस ऊपर।
तू ये सब छोड़, उठ खाना खा ले। आज से मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा दादा। क्यों, क्या हुआ? पैसे बचा के स्कूल की फीस जमा करूंगा। पागल कहीं का, मैं मर गया हूँ जी तो अपना पेट काट कर स्कूल की फीस भरेगा? दो महीने से स्कूल की फीस चढ़ गई है दादा, मास्टर रोज डांटता है। कल इंतजाम हो जाएगा। हो जाएगा दादा? हाँ जरूर हो जाएगा। तू खाना खा के सो जा, मैं अभी आता। कि मैं स्कूल की फीस दे सकती। रीमा दीदी ये क्या? तुम्हारी फीस? नहीं दीदी, दादा भैया गुस्सा होंगे। जब मिले तब वापस दे देना। सच दीदी, तुम कितने अच्छे हो। सलाम अलैकुम लाला। सलाम पंजू सर। क्यों पैसा लाया हमारा? इस महीने चला लो लाला, अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। ओ लाला को मत बनाओ, हमको सब मालूम है अगले महीने कौन सा तुम्हारा लॉटरी लगने वाला है। खैर आदमी तुम दिल का अच्छा है वाला। इसीलिए तो कहता हूँ लाला, मैं तुम्हारी पाई पाई चाहता हूँ, बस 20 रुपया और देना। 20 रुपया? क्या बोला पंजू से? लाला के पास कोई रुपया का दर्द थे? खुदा के लिए लाला, मुझे अपने भाई की फीस देनी है, 20 रुपया दे। देखो पंजू सेठ, हम तुमको बोलता है वल्ला, हमको खुदा का वास्ता मत दो। तुम 3 रुपया देने को 3 महीना लगाता है तो 20 रुपया देने को 20 महीना लगाएगा। छोड़ो बाबा छोड़ो, कैकू लाला का जान खाता है, मत परेशान करो। अच्छा लाला। दादा भैया मिल गई। क्या मिल गई? फीस। कहाँ से? रीमा दीदी ने दी। तुझसे किसने कहा था उससे पैसे लेने को? मैंने नहीं ली दादा भैया, उन्होंने खुद दी, कहती थी बाद में दे देना। कहाँ है वो? वो तो घर पे चली गई। खबरदार जो उससे कभी पैसे लिए, टांग तोड़ दूंगा तेरी। फिर को तुमने पैसे दिए थे जी? आज के बाद फिर कभी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? जी। कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो श्री के कभी नजदीक भी गई तो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इतनी? जी चाहता तेरा गला घोंट दूँ। शौक से लो। ये रहे अपने पैसे, पकड़ ले। यहाँ तक आए हैं तो गरीब की झोपड़ी पवित्र करते जाइए। तुमने मुझे समझ क्या रखा है जी? वही जो समझना चाहिए, आज नहीं फिर कभी, जब जी चाहे आ जाना। मैं? और तुम्हारे घर? आपको जिद है, मुझे विश्वास, देखे किसकी जीत होती है। आज के लिए ताजा खबर लीजिए, मेहरबान बेचने वाले का दीवाना होगा, अपनी टीम फ्री प्रेस। आज के लिए ताजा खबर। ब्रेक मार, दफ्तर वस्तर सब बंद हो गए, आपको मुफ्त में नहीं खरीदेगा। ला मुझे दे, सोने के काम आएंगे। ठीक कहते हो दादा, मेरा तो गला बैठ गया दिन भर चिल्लाते। वो बाहर वाले चोटी सेठ को सिंगल मार, जल्दी दूध दादा, पानी कम और शक्कर बराबर। चोटी, यार तूने आज की कोई नई खबर नहीं सुनाई? दादा ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तबीयत साफ हो जाएगी। क्या हुआ? ये रूस का रॉकेट है ना, आज सीधा चांद में पहुंच गया है। अब आदमी के पहुंचने में देरी नहीं है। देख चोटी, झूठ ना बोल। नहीं दादा, उसमें लिखे ना है। तू सच कह रहा है? हाँ। हीरो, अरे रूस वालों को चिट्ठी लिख दे कि मैं और चोटी चांद पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तैयार है? वहां पर फुटपाथ पे तो नहीं सोना पड़ेगा? लेकिन दादा ये सेठ और सटोरियो वहां पहुंच गए हो ना, तो अपने को वहां भी फुटपाथ का वांदा है। हीरो, प्रोग्राम कैंसल। कैंसल? हीरो को क्या हुआ है? दादा ये तो बिल्कुल जल्दास हो गया है। चोटी, ये क्या देख रहा है आसमान में? चांद को। अच्छा,
इसे भी कोई रॉकेट भेजना है क्या? नहीं राजा, बल्कि इसका उल्टा हो गया। okay. चांद उतर के हीरो के पास आया था। क्या बकता है? ठीक कहता हूँ दादा, एक चांद बस से उतर के हीरो के पास आया और हीरो का दिल लेके गोल हो गया। अच्छा, तो रोमांस लड़ गया बच्चू? मुझे भी कुछ ऐसी लगता है। बम्बई में औरत तो मिल जाती है पर खोली नहीं मिलती, और जो खोली मिलती है तो पगड़ी के मारे सर गंजा हो जाता है। मगर दादा, रोमांस भी कुछ ऐसा वैसा नहीं। भाई को सुबह नाश्ते की दावत दे गई है। अरे तो खाने पीने की दोस्ती अपन को भी चलती है, क्यों ना हम भी चलें? बिल्कुल। क्यों हीरो, आप भी क्या मजाक करते हैं दादा? मैं ही कहाँ जा रहा हूँ? क्यों, क्या हुआ? मक्खी छींक गई क्या? पहनने के लिए कपड़े कहाँ हैं? इसमें क्या मुश्किल है? चोड़ी सेठ, गोपाल को बुलाओ जल्दी। दादा बुलाता है गोपाल। जल्दी आ। क्या बात है बंटू दादा? देख तेरी लांड्री है ना? जी हाँ। उसमें जो सबसे अच्छा सूट आया हो उसे इस्त्री विस्त्री करके हमारे हीरो के लिए ले आ जल्दी। पहले चार आना देना पड़ेगा दादा, वो भी एडवांस। वो कह के बाबा। अच्छा ले ले यार, तू भी क्या याद करेगा किस राजा से पाला पड़ा था। मगर देख हाँ? सूट ऐसा होना चाहिए जो औरत जात देखे चक्कर खाकर गिर पड़े। अरे पंचू दादा, औरत जात तो क्या, हमारा जात भी चक्कर खा के ना गिर पड़े तो कहना मुझसे। वो भी चलेगा। चल अब काम बता। हाँ जल्दी जा। खाना खाते ना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोज इधर फजर को आ जाया करो और ब्रेकफास्ट खा लिया करो, और दोपहर को फ्लोरा फंक्शन पर मिला। इतनी तकलीफ की क्या जरूरत है? इसमें तकलीफ का क्या बात है? तुम अभी हमारा फ्रेंड हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा सा खाना जास्ती लाएगा। हम चार हैं सोनू। चार? चार है तो क्या हुआ, हम चार के वास्ते खाना लाएगा। तुम अभी खाओ, हम तुम्हारे वास्ते कॉफी बनाते गैस के चूल्हा पर। हम अभी आता है। हाँ तुम खाओ। हाँ मैं पूछती हूँ, ये मस्का अंजाम जाता किधर है? मैम साहब, हम कभी मस्का नहीं खाता, हम शपथ से बोलता है। चलेगा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बेटी। डैडी, आपकी मेहरबानियों से नाकर सर पे चढ़ गए हैं। बोल क्या करती है, बेचती है? नहीं, हम सच बोलता है, हम मस्का काहे को बेचेगा मैम साहब? तो फिर छुपा कर रखती होगी, तेरे सगे वाले आकर ले जाते होंगे। मैं देखती हूँ जाते। मैम साहब, मैम साहब, गंदे में क्या कुछ जाता, अभी मिस्त्री भी नहीं आया। मैम साहब, मैम साहब, झाड़ू भी नहीं दिया अभी। मैम साहब, जल्दी घर पर छोड़। ये कौन है, कौन है ये? ये मैम साहब मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ये मस्का अंजाम तेरे बॉयफ्रेंड के लिए आता है? गेट आउट। इसी तरह इसके बॉयफ्रेंड आते रहे तो मन भर मस्का भी पूरा ना होगा। मैम साहब, मैम साहब, गलती हो गया, माफी मांगता है। चलेगा। ओ डैडी, सुनो, मुझे काफी दो। ले 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 लो मेरे पास, कन्ना मेरा पाले कर गए। अरे श्री, अरे श्री, आज तो स्कूल क्यों नहीं गया? गया था यार, मगर फीस लाना पड़ेगा, अभी वापस जाऊंगा। जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तूने मेरे साथ खेलना ही बंद कर दिया। तू स्कूल के बाद क्यों नहीं आता? तेरा स्कूल बंद होता है तो मेरा स्कूल चालू। सोचो कि दिन भर फेरी करके 1-2 रुपया कमा लेता हूँ और रात को नहीं स्कूल जाता हूँ। तब तुझे कमाने की क्या जरूरत है? मेरे बाप नहीं है, खाली मेरी माँ है,
वो क्या कमा ले जाएगी। मगर बुजू यार मेरे से माँ बाप दोनों, पर तेरा भाई जो है कमाने वाला, तभी तो कहता हूँ मुझे कमाने की क्या जरूरत। मेहनत से पढ़ूंगा और अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। अगर नाइट स्कूल में पढ़ेगा तो क्या अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी? मालूम नहीं यार, मिल जाए कि नहीं। ले लो पाले ठंडा मीठा, ले लो ले ले खाने के। अच्छा बिजू तू ही खा ले बिजू, मेरे पास पैसे नहीं, तू तो मेरा दोस्त है, खा ले खा ले। थैंक यू बिजू। अच्छा तुम लेंगे ठंडा मीठा पाले खाने का। ये भाऊ का आज तुमकी तबीयत भरी नहीं? मुझे माला भूख नहीं। क्यों दादा, क्या बुखार हो गया है क्या? अरे बुखार उठा कुछ नहीं यार। तो फिर खाना खाओ ना। हटाओ यार, सीरी की फीस का अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, जाने शाम को क्या उसे जवाब दूंगा। तुम फिक्र क्यों करते हो दादा, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे आज एक बात कहूं? कहो। आज मुझे 20 रुपए उधार दे दो। माँ के पैसे नहीं है। मैं कल वापस दे दूंगा माँ से। तुम्हें रोज उधार खाते वो ठीक है, मगर मी पैसे मदी चक्कर मदी ना ये। वो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है मासी, मगर मैं तुमसे कसम खा के कहता हूँ मैं कल तुम्हें वापस दे दूंगा, मुझे बहुत जरूरत है। माजे कड़े ना है पैसे। मासी देख मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। नको नको, देख भगवान तेरा भला करे, तू इंकार न कर, मुझे बेहद जरूरत, बहुत बुरी तरह से जरूरत है। पांव नको, पांव नको, ना है पैसे। ये क्या हो गया पंचू दादा तुमको, तुम अपने आप को इतने नीचे गिराते हो। तुम नहीं समझते छोटी, अगर आज श्री की फीस नहीं भरी तो उसका 1 साल जाया हो जाएगा, उसे स्कूल से निकाल देंगे। अरे बुजू मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे अभी तो तू यहाँ से गया था, इतनी जल्दी वापस आ गया तो क्या बात है, किसी से झगड़ा हुआ? नहीं तो बुजू। तो बैठ खाना खा ले। मुझे भूख नहीं। बुजू तू क्या रोज होटल में खाना खाता है? माँ सवेरे मुझे 2 रोटी दे देती है, जब भूख लगती है तो मैं यहाँ से 1-2 आने की भाजी लेके खाता हूँ। अच्छा बुजू आज से मैं भी फेरी करूंगा। फेरी तब तो बड़ा मजा आएगा, अपन दोनों साथ ही रहेंगे और रात को नाइट क्लब में इकट्ठे पड़ेंगे। मगर बुर्जू यार मेरे पास तो माल के लिए पैसे नहीं। वो क्या हुआ, आज तो मेरा आधा माल ले ले, कल अपना खरीद लेना। बुर्जू मगर मैं यहाँ नहीं बेचूंगा, दादा भैया देखेंगे तो गुस्सा होंगे। हाँ यार तेरे दादा भैया से तो मुझे भी डर लगता है। तो चल बोरी बंदर चले, आज ट्रेन में खूब बिक्री होती है। चल भी खाना खा लेता हूँ। सेठ जी ये बस्ता संभालिएगा, रात को लेके जाऊंगा। चल 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 थोड़ी गिराया। श्री को तो नहीं देखा? नहीं तो दादा। श्री, अरे दादिया क्या बात है, तूने श्री को तो नहीं देखा? श्री को नहीं तो दादा, क्यों ठीक हो गया है क्या? 4 बजे स्कूल से आ जाया करता है, 8 बज गए अभी तक नहीं आया। स्कूल में देखा? हाँ हाँ वहाँ भी देखा, स्कूल तो बंद है, वहाँ कोई भी नहीं। सर जी और मेरा बस्ता तो देना। शुक्रिया।
देख श्री, माल के 2 रुपए निकाल कर 2 रुपए 80 पैसे बचते हैं, उसमें से 1 रुपए 40 पैसे तेरे और 1 रुपए 40 पैसे मेरे, क्यों बराबर है? थैंक यू बुज्जू। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे यार बैठना, जाता किधर है? क्यों कल पिक्चर को आता है मंडी शो में? शम्मी कपूर की पिक्चर लगी हुई है। आ, क्या एक्टिंग करता है वहां से, कहता है ताले हो मैम साहब, अच्छा दोस्त और अच्छा पति, किस्मत वाले को ही मिलता है। याहू, क्यों कल चलता है? नहीं बुज्जू, ये पैसे मैं जाके दादा भैया को दूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है और दादा भैया इंतजार करते होंगे, है ना? बाय बाय। बाय बाय। एक ग्लास पानी का देना। हाँ जी। पंचू दादा, वो तो दत्तू के यहाँ भी नहीं है। सच? हाँ, दत्तू कहता था श्री और बिरजू ये दोनों बोरी बंदर पे आवारा गर्दी करते फिरते थे। अच्छा। हाँ आ लेने दो आज उसको। फिकर काहे करता है दादा, आ जाएगा। अरे आ तो जाएगा, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आज उसको ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि याद करेगा। किधर जा रहे हो भाई साहब? जी दादा वो बात ये थी। हाँ, कहाँ कहाँ की सैर? आओ हमारे साथ। कहाँ थे अब तक, बोलो जवाब दो। दादा भैया के बच्चे? अच्छा तब चोरी करना भी सीख लिया, कहां से मिले ये पैसे, बोल जवाब दे। बताता हूँ दादा भैया, स्कूल में फीस न देने के कारण मास्टर जी ने बाहर निकाल दिया, इसीलिए मुझे फेरी करनी पड़ी। हम तुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं या बाजार में फेरी करने के लिए? बदमाश, चल खड़ा हो जा दीवार के साथ। कैसे बन पाओगे? मैं जानता हूँ भैया, आप बच्चा वक्त खाना खा के मुझे पढ़ाते हैं, मैं दिन भर फेरी करूंगा और रात को नाइट स्कूल में पढ़ूंगा। लेकिन इतनी मेहनत तुम कर सकोगे? मेहनत? इसमें मेहनत काहे की भैया, सिर्फ 2 ही घंटे तो फेरी करूंगा, पढ़ाई में कोई रिकॉर्ड नहीं होगी भैया, कोई रुकावट नहीं होगी। अशोक बाबू हमको माफ कर दो। अशोक बाबू जो होना था सो हो गया मेम साहब, अब बेकार मुझसे दोस्ती बढ़ाकर अपनी नौकरी खतरे में न डाली। तो क्या हम मेम साहब के 24 घंटे की गुलामी लिखाया है? नौकरी के बाद हम तुमसे कहीं भी मिल सकता है। अच्छा अब जाओ सुनो, मुझे काम पर जाना है। खाना नहीं खाओगे? आज तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास ऑमलेट लाया है। आज नहीं सुनो, फिर कभी। मेम साहब, साहब को तो खाने तक की भी फुर्सत नहीं है, अपने को 24 घंटे फुर्सत रहती है। तुम हमको खाना खिलाओ, हम तुमको सनुमा दिखाएगा। तुम कौन है रे? माधु को सिवाय तुम्हारे फ्लोरा फाउंटेन पर सब लोग सलाम करते हैं। माधु यहाँ से जाते हो या नहीं? आज मेंट की तो भी जुकाम आ रहे ना सर, 3 बजे के शो के 2 टिकट हैं मेरे पास। आओ मेरे साथ सिनेमा देखो। बहुत बढ़ते जा रहे हो माधव। अबे हट, तू अपने औकात में रह। क्या बात है भाई साहब? बड़ा पुलिस, अगर ये पुलिस वाला ना आता तो तुझसे भी आज सुलट लेता, लेकिन फिर भी सुलट लूंगा। शाम को आ जाना। बड़े बुजदिल हो जी। दादा मैं बुजदिल नहीं हूँ। वो उसे छेड़ गया, तुझे गाली दे गया और तू चुप खड़ा रहा, इसे तू बहादुरी कहता है? पंचू दादा बचपन में एक लड़के को घूंसा मार दिया था, उसकी आंख फूट गई, तब से माँ से कसम खा ली है कभी किसी से लड़ूंगा नहीं। तू भले ही इसे बहादुरी समझ ले, मगर माधव की नजरों में ये बुजदिली है। अरे
तुम दोनों आपस में क्या कुछ करता है? चलो खाना खा लो। हम तो खा गए हैं। थोड़ा दादा तुम खाओ। मेम साहब को खिलाकर आई हो ना? मेम साहब गया खड्डे में, तुम तो खा लो। चलो लाओ चार कमाओ। छोड़ो यार साहब बंडल है। अरे क्या बात करता हूँ, परसों दिन 50 रुपए इससे जीते ले। बस है ना? हाँ, एक खेल वाला हाँ। का पत्ता लगता है हाँ। पत्ता बताओ, पत्ता तो बताओ। देखो हाथ में दो ना। हाथ में नहीं देते जो। साढ़े आठ बता दो। हाँ साढ़े आठ बजे बता दो। बता दो यार बता दो। अच्छा देख लो मगर निशान नहीं लगाना। कौन लगाते हैं? रानी पे लगाना। ये सेठ का 5 रुपए लगा मेरी तरफ से। डालो पत्ता 5 रुपए देख लो। बीमारी तेरा ही आखरा पत्ता खोल। रानी रानी निकालो माल निकालो। साढ़े चंगे दोस्त हो जी। आओ जी महाराज, ये की कर रहे हो? क्यों? साढ़ा माल है, तुझे लगाओ ताड़ा। हाँ लगाओ। मैं लगाता हूँ। लगाओ दिल खोल के लगाओ। फिर से फिर से 20 मिलेंगे ना। हाँ लगा बीच में। रानी लगाओ ऊपर, लगाओ ऊपर, लगाओ ये लगाओ। बच्चे लगे हैं हमारा पता। वो जो हमने 5 रुपए का गवर्नमेंट का बॉन्ड भरा था ना, 500 रुपए नाम निकला है। क्या सुबह सुबह हाँ इसमें लिखा देखो ना, अपना नंबर है। 500 रुपए? हाँ 5000 ही तो है। 500 रुपए अपने पिता बहुत देर लिया। मार दिया मैंने। क्यों होया बादशाह? होया कि बादशाह तू ही तू 9-2-11 हो जा फुटो। अच्छा अच्छा पारा हुआ एक काम से जान बच गई। हाँ अब से जान बच गई। पत्ते पर अभी जाके पैसे चुके लगाते हैं। चलो दादा जल्दी चलो। कमाल आदमी। चलो कमाल आदमी है बादशाह। आजा कम से कम आज तो ऐश कर लें, कल की हवालदार जाना। मगर ये 100 रुपए ये चीनी के लिए, उसकी फीस और कपड़ों के लिए, बाकी सब दे देंगे। चला मगर कहाँ? अरे कहाँ जहाँ डांस होता है, रोमांस होता है। नहीं दादा मेरा तो आज मूड नहीं। अरे क्या हो गया तेरे मूड को? अरे ओ दादा तुम भी कमाल करता है, बगैर हीरोइन की हीरो कैसे जाएंगा? हाय अरे ये बात है कैसी कही। अरे तो तेरी सोनू को भी साथ ले लेंगे। अरे वो हीरो लेकिन वो इरुण नहीं है, वो तो घर में बीमार पड़ी है, मैं देख कर आया। बीमार पड़ी है? अरे कस्टमर मुझे मार मार के बीमार कर देंगे। आई एम सॉरी। अरे सॉरी के बच्चे जा, कहीं से भी नई गुंडा पैदा करके ला, वरना तेरी आज से नौकरी खत्म। नौकरी खत्म? यस यू आर फायर। अच्छा तो मैं दूसरी गुंडा पैदा करता हूँ। माफ करना आप लोग कौन हैं? हम आदमी भाई साहब, आपको कुछ और नजर आते हैं? आपको कुछ और नजर आते हैं? नाराज न होना जेंटलमैन, हम पूछता है आपको आई मीन मैडम को नाच गाना आता है? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्यों छोटी? हाँ नाचना भी आता है और गाना भी। वाह 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 वाह, तब तो फिर मैं देवी को मिस यूलेंडा बना दूंगा। ए मिस्टर हमको यूलेंडा फुलंडा नहीं बनने का है, अगर थोड़ी देर के लिए
इनको हिमलंदा बनने देंगे तो इसमें आपका भी फायदा और हमारा भी। जैसा आप कहें। अच्छा तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? जी मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूँ, चलिए मेरे साथ चलिए, चलिए चलिए, हाँ चलिए। देखिए आप लोग गाड़ी तैयार रखिए, मैं अभी आता हूँ। मैंने इनको सब बातें समझा दी है। ये है हमारे मैनेजर साहब मिस्टर कपूर, अब आप अपनी तारीफ सुनाइए। सैनियो पंचियो, सैनियो अशोकियो, सैनियो चोटियो एंड सन रीता। सुनियो मगर हाँ आइटम जरा फटता होना चाहिए। बड़ा कान पैसियो पैसियो सैनियो मैनेजरियो, हम लोग फोकट में आइटम नहीं देता है, हमको पैसियो मांगता है पैसियो। ओ हम तुमको रुपयो देगा रुपयो। बगदईदम। आप आइए हमारे साथ आइए। आप दोनों मेरे साथ आइए, आइए तशरीफ लाइए। Magadaidam, Magadaidam. Ladies and gentlemen. Padani sir, China, Japan, Thailand, Philippines, Singapore. हमारे पार्टी ने चाइना, जापान, हांगकांग, थंगकांग, थाईलैंड, हाईलैंड और सिंगापुर से होते हुए मगर सिंधे आपका कंट्री इंडिया यानी कि भारतवर्ष का दौरा किया है। इन सब देशों ने हमारे कैबरा को बहुत पसंद किया है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भी पसंद करेंगे। कदली सीनियर सीनियर मगर बेदम मुझे तो ये सब बोगस लगते हैं। चलो हम लोग चलते हैं। कमल लेट्स गो। बैठो यार, देख लो अब क्या होता है। देखो देखो अरे आदमी आदमी गरीब हो या अमीर हो अप टू डेट जिंदगी जरूर हो। आदमी गरीब हो या अमीर हो अप टू डेट जिंदगी जरूर हो। आदमी है ब्यूटीफुल जनाब हम, पोजीशन है रक्त लाजवाब हम। देखिए जरा हमें भी मूड से आ रहे हैं हम भी हॉलीवुड से। अरे देखिए हमें जरा भी मूड से आ रहे हैं हम भी हॉलीवुड से। अरे हॉलीवुड हो या कानपुर हो आदमी गरीब हो या अमीर हो अप टू डेट जिंदगी जरूर हो। ला 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 ला। दिल जरा संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा। बड़ा जालिम निशाना है मेरी दिलकश अदामों का, बड़ा जालिम निशाना है मेरी दिलकश अदामों का। संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा
संभालो दिल जरा, ओ मिस्टर दिल जरा। दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा, बड़ा जालिम निशाना है मेरे दिलकश अदामों का। संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा, संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा। संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा, बड़ा जालिम निशाना है मेरे दिलकश अदामों का। संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा, संभालो दिल जरा ओ मिस्टर दिल जरा। पंचू दादा, मैं जरा सोनू को छोड़कर आता हूँ। वेरी गुड रीटा। टाटा 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 किशोरी। ओके हीरो। बाबा क्या बात है पंचू सेठ, आज तो रईस मालूम हो रहे हो। अंदानी रईस हैं भाई साहब। है तो कुछ देर किस बात की है, हो जाए दो हाथ जरूर। पंचू दादा मैं भी चलूं? नहीं नहीं तुम जाओ, श्री स्कूल से आ गया होगा, उसको खाना वाना खिलाओ। उठ जा उठ जा। चले। अरे सर श्री को देखा क्या? अब पता नहीं पट्टा कहाँ से गोल हो गया, नजर ही नहीं आता। श्री को तो प्रेमा अपने साथ ले गई। प्रेमा अपने साथ ले गई? कब? अभी थोड़ी देर हुई। मारे के बाप। चल खा ले। दीदी एक बात पूछो, तुम नाराज तो नहीं होगी? दीदी दादा भैया तुम्हें बुरा क्यों कहते हैं? तुम्हें बुरा लगा है ना दीदी? मैंने तुम्हें दुख दिया है ना? मुझे माफ कर दो दीदी। नहीं श्री, तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ, तभी तो तुम्हारे भैया मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। नहीं दीदी तुम कभी बुरी नहीं हो सकती, तुम तो बहुत अच्छी हो दीदी, बहुत अच्छी। श्री I'm coming. What? तुम्हें कितनी बार कहा है प्रेमा कि तुम इसे अपने साथ यहाँ मत लाया करो। अरे चोटी तुम दूर हट के बात कर, देख पानी कड़क स्त्री है। दादा भैया कहाँ है चोटी?
गर्मी है माधव। हाँ अब तो गर्मी लगेगी, मगर तुम चांद दिखाओ प्यारे। मगर ये 100 रुपए ये श्री के लिए, उसकी फीस और कपड़ों के लिए। ये पहला किया है कसूर मैंने।
सामना किया है हुजूर मैंने सामना किया है हुजूर मैंने ये क्या करते हैं भजी वजी का इंतजाम है ना अरे सब इंतजाम है चलो तो हवलदार पंचू दादा को पकड़ कर ले जा रहा है हाँ यार है तो पंचू दादा ही मगर आज कुछ अप टू डेट नजर आ रहे है ना पंचू दादा चोटी अशोक कहाँ गए सब लोग दादा भैया बड़ा गया तो छोटा चालू प्रेमा दीदी दादा से खोलो प्रेमा दीदी दीदी दादा से खोलो श्री तो इस वक्त यहाँ क्या बात है दीदी गजब हो गया दादा भैया को पुलिस पकड़ के ले गई तुम अंदर चलो पुलिस पकड़ कर लेगी क्यों लेकिन तांजा कहता था कि दारू पी के रास्ते में दांधली की थी दारू भी पीने लगे क्या पहले कभी नहीं पी दीदी तांजा और नाचा कहता था कि दादा भैया को जेल हो जाएगी लेकिन अशोक बाबू और चोटी कहाँ है मुझे नहीं मालूम अब क्या होगा दीदी कुछ नहीं होगा चलो तुम सो जाओ दीदी जेल वाले भैया को पीटेंगे काहे को पीटेंगे कोई नहीं पीटेगा तुम सो जाओ मगर तुम सुबह होते उनको छुड़ा लाओगी हाँ हाँ कल सब ठीक हो जाएगा तुम सो जाओ पहले घबराओ नहीं बिल्कुल श्री बेटे क्या हाल है पंचू दादा जिंदाबाद आ गए तुम लोग भी हल्दार ने पीटा था क्या नहीं नहीं मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा अरे तुमने खुद जमानत क्यों नहीं दी प्रेमा से जमानत दिलवाने की क्या जरूरत थी पुलिस वाले हमारी जमानत कम मानते हैं दादा जामन के पास कम से कम 20 रुपए महीने घर के किराए की रसीद चाहिए और फिर पंचू दादा रात के 12 बजे किसका दरवाजा खटखटाते हैं जमानत के लिए कमाल है पंचू दादा मैं तो शुक्रिया अदा तो कर रहा हूँ जैसे बेचारी खड़ी आपका इंतजार कर रही थी यही थैंक यू बोल देते उसको क्या हो गया तुम लोगों को क्या मतलब है तुम्हारा मतलब बिल्कुल साफ है पंचू दादा हमने प्रेमा जी से भाभी का रिश्ता जोड़ लिया है तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या कोई धंधे वाली औरत से भी शादी करता है पंचू दादा जैसे हवालदार ने हमें फुटपाथ पे रहने के लिए पैदा नहीं किया ऐसे प्रेमा भी धंधे वाली बनकर पैदा नहीं हुई मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती तुम चाहते हो मैं ऐसी औरत से शादी कर लूं जिससे मुझे नफरत है प्रेमा से नफरत करने के बजाय अपने आप से नफरत कीजिए आप ज्वारी हैं आपका जमीर तक बिक चुका है आपका दोष नहीं हमारा समाज ही ऐसा है यहाँ मर्द के लिए सब कुछ ऐसा औरत कुछ नहीं कर सकती अरे फिल्म के डायलॉग बोलता है तुम तो हीरो का माफिक वायन करता है यार सच्ची बातें कड़वी लगती हैं हां आओ मैं तो टाइम पे पहुंच गया था बेईमानी करता है बेईमानी का धंधा तो तेरे भाई का है क्या कहा हाँ वे तेरा भाई पत्ते लगाता है और दुनिया को लूटता है देख दामू अगर फिर तूने मेरे बड़े भाई के बारे में कुछ कहा तो अच्छा ना हो तू क्या करेगा तुझे ठीक कर दूंगा अबे तू क्या ठीक करेगा मैं क्या ठीक करूंगा अब फेंक छोड़ दे क्या हुआ श्री को मार डाला श्री को मार डाला किसने कहा चलो मेरे साथ किसने मारा इसको मैं पूछता हूँ किसने मारा इसको माफी तो बहुत दामू ने मारा लेकिन वो तो भाग गया
वो भाग गया तो क्या हुआ? मैं तो हूँ। तू सबसे बचता जा रहा है माधो। अबे जा, तेरे जैसे बहुत से देखे। बॉक्सिंग करता है। कमाल करता है। बड़ी ताकत है इसके पंच में। आओ मुंशी जी, चलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक। तुम एक फर्स्ट क्लास बॉक्सर बन सकते हो। ये मेरा कार्ड है, कभी मेरे जिम्नेजियम में चले आना। जिम्नेजियम? हाँ, बादशाह साढ़े सेठ जी बॉक्सिंग के रिंग चलाते हैं। आ जाना कभी। कैसी तबीयत? ठीक है भैया। भैया तुम जुआ खेलते हो? नहीं तो। किसने कहा तुझसे? दामू कहता था तुम बेईमानी करते हो, तभी तो मैंने उसे झगड़ा किया। तुम बेईमानी नहीं करते हो ना भैया? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बेईमानी नहीं करता। देख, लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं होता। अब किसी से मत झगड़ना। एक बात पूछूं भैया, तुम प्रीमा दीदी से नाराज क्यों रहते हो? वो तो बहुत अच्छी है। तुम नहीं थे ना, बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही और मुझे प्यार करती रही। तुम उनके पास जाओगे ना भैया? हाँ हाँ जाऊंगा, तुझे आराम कर। नहीं भैया, तुम झूठ बोलते हो, तुम नहीं जाओगे। नहीं नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। तो अब भी जाओ। अच्छा, अभी जाता हूँ। तू जा, लेट जा, तेरी तबीयत अच्छी नहीं। एहसानों को बदला कैसे चुका सकता हूँ समझ नहीं आता। मैंने बदले के लिए तो कुछ किया नहीं है। लेकिन प्रेमा, मैं तो तुम्हें हमेशा नफरत करता रहा। जिन्हें हम नफरत करते हैं उन्हें हम धीरे धीरे प्यार भी करने लगते हैं। तुम तो देवी हो प्रेमा। मैं देवी कुछ नहीं, बेकार की तारीफ न कीजिए। अच्छा चलता हूँ। एक कप चाय पीकर नहीं जाएंगे? पिलाओगे तो पी लो। मैं नाच की प्रैक्टिस कर रही थी, क्या आप आ गए? मेरे आने से तुम्हारे नाच की प्रैक्टिस में गड़बड़ हुई क्या? कोई बात नहीं। क्यों उतारी है घुंगरू? मुझे नाच के प्रैक्टिस के लिए काफी टाइम है, पहले आपके लिए चाय तो बनाऊं। चाय भी तो मैं सारा दिन ही पीता रहता हूँ। मेरे सामने नाचते में इतराज ना हो तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। आपको नाच अच्छा लगता है? आज गाना किसे अच्छा नहीं लगता। गाना सुनेंगे? सुनो। क्या सुनाओ? गजल, कव्वाली, गीत, कुछ भी सुनो। लेकिन साथ कौन बजाएगा? हम बजाएंगे। हारमोनियम? तो फिर तबला? हाँ, ढोलक। अरे अपन तो वो बजा सकते हैं। क्या?
फोन वाले भाई साहब जरा संभालना। अरे हटो यार, कैसे अजीब आदमी हो। अरे क्या किया यार, अरे झूठ का सत्यानाश क्या किया, शर्म नहीं आती। रेमा आई, आ जाओ। तुमने क्या नाम बताया था? जी अशोक। ओह मिस्टर अशोक, मेरा ख्याल है तुम कल ही से प्रैक्टिस शुरू कर दो। जी बहुत अच्छा, ये लो। ये क्या है सेठ जी? एडवांस। मुंशी ज्ञानचंद जी, इनसे वाउचर ले लो। यस बॉस। मैं आखा जी बॉस, कि आप मुझे मुंशी क्यों कहते हैं? मुंशी गिरी तो सी लावरो छड़ा है, तो मैं आपका सेक्रेटरी। हाँ चलेगा, हम तो बुजुर्गों को मुंशी कहते हैं, मुंशी ज्ञानचंद। हाला तब तो ठीक है, मुंशी का पुंछी कहिए। चलिए मिस्टर अशोक, वाउचर साइन कर दीजिए। What?
बताओ मैं कौन हूँ? शीला। तो फ्लोरा। मैं समझ गई सोनू। तो फिर तुम कौन हो? शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ता है? अरे अशोक बाबू तुमको ये क्या हुआ? अरे तुमने नौकरी छोड़ दी वहाँ से? नहीं तो हम काहे को नौकरी छोड़ेगा? तो वो कौन थी काम कर रही वहाँ? ओ अशोक बाबू तुम गलती से पहले माले पे चला गया। पहला माला था ये? हाँ वहाँ रोज ही काम करती है। ये कचरा उसी ने फेंका है क्या? हाँ हाँ सारा कपड़े सब खराब कर दिए। मैं अभी ठीक करती हूँ उसको। अरे नहीं नहीं गलती मेरी थी। अच्छा चलो। आज तो बिल्कुल रानी जैसी लगती हो। सोनू जी चाहता है तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखता रहो। ऐसा क्या बोलता है? पर अशोक बाबू तुम इतना सारा सामान काहे को लाया? काहे को इतना पैसा खर्चा किया? सोनू मैं बॉक्सर हो गया। अच्छा? और सेठ जी ने मुझे बहुत से रुपए एडवांस दिए। तब तो अशोक बाबू तब तो तुम बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और एक अमीर लड़की से शादी करेगा। देखो अशोक बाबू तुम अपने यहाँ हमको आया जरूर रखना। अगर मैं बड़ा आदमी होगा तू भी तो घर की मालकिन बनेगी। 10-20 आया रख दूंगा तेरे लिए। सोच क्या रहे हो? मैं सोचता था प्रेमा अब तुम ये नाचने गाने का धंधा छोड़ क्यों नहीं देती? किसके सहारे? मेरे सहारे और क्या? लेकिन पंजू तुम्हारा तो एक बहू हमेशा जेल में रहता है। लेकिन मैंने भी तो वो तमाम बुरे धंधे छोड़ दिए हैं। नहीं सच कह रहा हूँ यकीन नहीं होता छोड़ दिए वाकई। प्रेमा मैं बुरा आदमी नहीं हूँ बुरी संगत में रह के बुरा हो गया था। मैं तो सोचता हूँ इंसान अपने आप में ना बुरा होता है ना अच्छा जमाना ही उसे बुरा ही अच्छा बना देता है। नहीं? मुझे भी जमाने के मजबूरी ने इस पेशे में डाल दिया पंचू। मैं जानता हूँ प्रेमा लेकिन भूल जाओ इन बातों को। अब दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मिस्टर अशोक घबराने की कोई बात नहीं आज शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है लेकिन यू विल इम्प्रूव। हाँ जी तैरना सीखने वालों को तो दो चार मरतबा पानी पीना ही पड़ता है। स्टॉप 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 जाता किधर है उस्ताद? मेरे साथ भी तो नहात हो जाए। कम ऑन। ओह यस कम ऑन। Thank you.
पंचू दादा आज खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अरे वाह, अरे खुशखबरी तो मैं तुम्हें सुनाने वाला था। तो पहले आप सुनाइए। नहीं नहीं, आप तू ही सुना दे पहले। नहीं पहले आप, नहीं पहले तू सुना दादा, पहले आप। इश्तियाक हो रहा है पंचू दादा, आप में तो गाड़ी निकल जाती। दिस इज नॉट लखनऊ, ये बॉम्बे है बॉम्बे। चोटी ठीक कह रहा है। अच्छा हीरो तू पहले सुना। दादा मुझे फ्लैट मिल गया, वो बॉक्सिंग वाला सेठ है ना, तीन रूम का फर्स्ट क्लास फ्लैट मुझे दिया। अरे वंडरफुल, बॉक्सिंग वाला सेठ और तीन रूम का फ्लैट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा तो मेरे वाली खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाऊं। बात यह है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं प्रेमा से शादी करने वाला हूँ। दादा क्या बोलते हैं? अरे हाँ दादा, आप झूठ बोल रहे हैं। दादा तुम बंडल मारते हैं। दादा आप झूठ बोल रहे हैं। बंडल क्या बात है यार, गली मोहल्ला सुन रहा है, मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ? सच दादा, फिर तो हम दादा की धूमधाम से शादी करेंगे, बैंड बजाएंगे, डांस करेंगे, नाच करेंगे। डालिए शादी मेरे यार की, शीन अलिफ डालिए शादी मेरे यार की, शीन अलिफ डालिए शादी मेरे यार की, शीन अलिफ डालिए शादी मेरे यार की। ये बेरे अलिफ ते बरात आएगी दिलदार की, बेरे अलिफ ते बरात आएगी दिलदार की, शीन अलिफ डालिए शादी मेरे यार की, शीन अलिफ डालिए शादी मेरे यार की। भाभी को घर लाएंगे, रोटियां पकवाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, ठाट से दिन जाएंगे। तंदूरी चिकन खाएगा, बिरयानी उड़ाएगा, कुकू हमजो गाएगा, बल्ला मजा आएगा, बल्ला मजा आएगा। बेरे अलिफ ते बरात आएगी दिलदार की, बेरे अलिफ ते बरात आएगी दिलदार की, शीन अलिफ डालिए शादी मेरे यार 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 की। सजना कुछ तो समझना, बात बढ़ेगी महफिल में, छेड़ न सजना कुछ तो समझना, बात बढ़ेगी महफिल में। तू भी चुप मैं भी चुप, दिल की बातें रख दिल में, तू भी चुप मैं भी चुप, दिल की बातें रख दिल में। छेड़ न सजना कुछ तो समझना, बात बढ़ेगी महफिल में, छेड़ न सजना कुछ तो समझना, बात बढ़ेगी महफिल में।
सोच समझ के सजना छेड़ न सजना कुछ तो समझना बात बढ़ेगी महफिल में छेड़ न सजना कुछ तो समझना बात बढ़ेगी महफिल में अरे तुम भी चुप मैं भी चुप दिल की बातें दिल में छेड़ न सजना कुछ तो समझना बात बढ़ेगी महफिल में सजना कुछ तो समझना बात बढ़ेगी महफिल में छेड़ न सजना कुछ तो समझना बात बढ़ेगी महफिल में अरे तू भी चुप मैं भी चुप दिल की बातें रख दिल में छेड़ न सजना कुछ तो समझना बात बढ़ेगी महफिल में छेड़ न सजना कुछ तो समझना बात बढ़ेगी महफिल में काम करना है तो वर्दी भी तो पहननी पड़ेगी क्यों मेरी प्यारी पंचुदादा इस वर्दी में देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता हुँ? अब जब मैं कमाने लगा हूँ आपको चौकीदारी करने की क्या जरूरत है मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है अरे वाह हीरो इसमें शर्म की क्या बात है शर्म तो मेरी थी उस वक्त जब मैं 420 करता था पत्ते बांटता था पत्ते लगाता था लोगों की जेबें काटता था मेहनत और ईमानदारी के काम में शर्म किस बात का फिर भी दादा देख हीरो हमारे मुल्क में एक नुक्स है एक कमाता है आठ खाने के लिए बैठ जाते हैं जब तक हमारे देश का हर आदमी काम नहीं करेगा हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती क्या बात है पंचू दादा वाह वाह क्या क्लासिक भाषण दिया है आपने पंचू दादा आपको तो डीलर होना चाहिए था नहीं नहीं मेरा मतलब लीडर होना चाहिए अरे क्या है डीलर भी बन जाएंगे लीडर भी बन जाएंगे देख जोड़े हमारा मुल्क आजाद है हमारे मुल्क में हर चपरासी लीडर बन सकता है क्या समझे श्री हेलो ए श्री बिट्टू तुम घरों में अभी आता हूँ भाभी मैं जाता हूँ श्री कहाँ जा रहे हो फेरी पे अरे तुम अभी तक फेरी पे जाते हो देखो ऐसे ये फेरी वेरी बंद और कल से दिन के स्कूल में दाखिल हो जाओ दिन के स्कूल में हाँ अच्छा अशोक बाबू मैं बिरजू को बोलकर आता हूँ वो बेचारा कब से बाहर खड़ा है अरे यार तुमने श्री को फेरी पर क्यों नहीं जाने दिया चार पैसे कमा कर ही लाता है ना दादा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार लेकिन श्री के मामले में एक नहीं सुनूंगा वो क्या आप ही का भाई है मेरा भाई नहीं ओ बल्कि यूं कही पंचू दादा कि वो हम सबका भाई है सच पूछो तो पंचू दादा ऊपर वाले से घोटाला हो गया बजाय हमें एक माँ बाप के यहाँ पैदा करने के भाई ने इधर उधर ढकेल दिया क्या धुनकी में था क्या वो
जाओ भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी करो। सुनिए तो, अशोक बाबू से बात कर ली या नहीं? कौन सी बात? वही। वही कौन से? जो कल रात को की थी ना, वही रात को की? वो तू भी कर ले? नहीं। अगर तू भी तो उसकी भाभी है। लेकिन आप भी तो उनके भाई हैं ना, आप ही पूछ लीजिए। आप पूछ लीजिए। अच्छा बाबा, मैं ही पूछ लेता हूँ। देख हीरो, नौकरी तो तुझे मिल गई और खोली भी ये तेरी बुरी नहीं है, अब तू शादी क्यों नहीं कर लेता? इतनी जल्दी भी क्या है दादा? इतनी जल्दी भी क्या है दादा? अरे हीरो, तेरी शादी होगी तो अपने लिए लाइन क्लियर है। देखो ना, उम्र बढ़ता जा रहा है और गेट अप चेंज हो रहा है। बेशक बेशक, मैं ना खा लूं। अरे अरे, लंबी उम्र है। तुम सुनिए, क्या हाल चाल है? अच्छा हाँ, अच्छा बाबा, आप तो चले ड्यूटी पर, सोनिया को कुछ खिलाना पिलाना। हाँ भाभी, मैं जरा सोनू के साथ जा रहा हूँ। अरे छोटी, तुम जिमनेजी में आ जाना। सोनू, नाश्ता तो करके जाओ, ब्रेकफास्ट करके आया दीदी। अच्छा सुनो अशोक बाबू, क्या बात है भाभी? शादी की बात जरूर छेड़ना, वरना तुम्हारा कप पानी बंद। अच्छा क्या चाहिए? मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं भाभी आप। अच्छा पानी पी लो।
सोनू, जानती हो भाभी क्या कहती? क्या कहती थी? बोलो ना भाभी क्या कहती थी? सुन भाभी कहती थी, छोड़ो ना मेरा पल्लू। छुड़ा लो। तुमने गांजू बांध रखी है, खोलना चाहती हो? सोनू ये गांठ तो मैंने जन्म जन्म के लिए बांध रखी। तुम नहीं जानती सोनू, तुम मेरी जिंदगी हो, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं जिंदगी की कोई बाजी नहीं हारूंगा। मैं हमेशा जीतता रहूंगा, जीतता रहूंगा, जीतता रहूंगा। अशोक बाबू हिंदुस्तान के चैंपियन लोबो से लड़ेंगे। अच्छा? हाँ। आओ सुनो, कैसी हो दीदी? तार आया है, मेरा बापू बहुत बीमार है, हम आज ही गोवा जाता है। इसीलिए तो आपसे मिलने आई। भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा, उनके ठीक होते ही उन्हें बम्बई ले आना। क्यों अशोक बाबू? भाभी जरा सुनो, आपके पास कुछ रुपए हैं सोनू को देने थे। आज तो महीने की आखिरी तारीख है, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। सेठ जी से मांग लो ना। नहीं भाभी, सेठ जी के तो पहले ही मुझ पे बहुत एहसान है, काफी रुपए एडवांस ले चुका हूं उनसे। अच्छा मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। नमस्ते। देखो सोनू, पहुंचते ही तार दे देना। अच्छा दीदी। जल्दी वापस आने की कोशिश करना सोनू, तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मैं भी वहां कैसे रह सकती हूँ? जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अच्छा तुम जाकर पैकिंग करो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। पता फेंको, क्या करता है बे? सलाम लाला। ओए सलाम सलाम अशोक से, कैसे वाला धर्म अशी? लाला 200 रुपए उधार दे सकते हो? क्या को नहीं दे सकता लाला का जान, तुम तो अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया, तुमको नहीं देगा तो हम किस लिए इधर? बहुत बहुत शुक्रिया लाला। ओए कोई परवाह नहीं, चलो अभी दिला देता है। अगर तुम बैठो अभी आते खेलते हैं। देखो अशोक बाबू, सोनी वापस आती ही शादी कर लो, मैं तो तुम्हारे लिए चाय बनाते बनाते थक गई। इसीलिए बनाती हो? शादी करने के बाद भी भाभी चाय तो आप ही के हाथ से पी। वाह वाह, सोनिया को हाल लेने दो, फिर पता चलेगा भाभी की चाय मीठी है या फीकी। आज की नहीं, ताजा खबर, मॉर्निंग पेपर। भाभी चाय दो जल्दी। चाय पीऊं तो पेपर? बड़ी मिर्च है। चम्मच जरा मुझे भी दे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सोनू नहीं मर सकता। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? अशोक
गोवा जाने वाला जहाज डूब गया पंचू दादा। जहाज डूब गया? हाँ। कौन सा? कोई यात्रिक नहीं बचा, गोवा जाने वाला जहाज डूब गया। अखबारों की सारी बातें सच्ची थोड़ी होती है, मुझे यकीन नहीं आता। देख हाँ। तू पड़ोस वालों के यहाँ जा, वहाँ पे जहाज कंपनी को टेलीफोन करके सारी बात पूछ के जा। जल्दी जा जल्दी। अशोक हीरो, हो सकता है ये खबर गलत हो। देखो दिल छोटा ना करो, हिम्मत से काम लो। भैया दुनिया में दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, मर्द लोग हम पी जाया करते हैं, रोया नहीं करते, समझे? रोया नहीं करते। आवाज़ ना दो मुझको ये
इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। चलेगा चलेगा चलेगा, ग्रेट न्यूज बॉयज। अशोक, मैंने तुम्हारी मैच हिंदुस्तान की चैंपियन लोबो के अगेंस्ट फिक्स की है। अगर तुम ये मैच जीत सकता तो चैंपियन की हैसियत से तुम्हें ओलंपिक गेम्स में लड़ने का मौका मिल सकता है। ओलंपिक? आई मीन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो बहुत बड़ा मैच रखा है क्या? हाँ हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन सेठ जी, बात यह है कि अशोक नहीं लड़ सकेगा। क्यों? वो सोनिया थी ना, वो चली गई। चलेगा, वो वापिस आ जाएगी, उसमें क्या हुआ? नहीं, आप समझे नहीं, उसका जहाज डूब गया है। ओ, बड़े अफसोस की गल है। जैसे भगवान की मर्जी, बंदे की एक भी नहीं चलती। बस उसी का आसरा है। तो फिर तुमने अशोक को यहां क्यों रखा है? उसे बाहर ले जाओ, उसकी तबीयत बहलाओ, सिनेमा में ले जाओ, गेल और में ले जाओ, कुछ करो। कोशिश तो करते ही रहते सेठ जी। क्यों भैया, चलोगे? अशोक, आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। तुम आदमी है के पैजामा? फाइज को देखने को पैसा है, वाला लाला का कर्जा देने को पैसा नहीं है। क्यों लाला, अशोक ने तुमसे पैसे लिए थे? कोई पूछो, पूछो इससे पूछो। माशुका को पैसा देने को हमारे पास नाक न करता था। पैसा हमारा नहीं देगा, उसका पर कोरक का ठीक नहीं लगा। तुमको बोला ना, हम बोल देता है, हम इसका देगा बोला ना तुमको। कबूतर से पैसा वसूल नहीं किया तो हमारा नाम डाला टूटेगा नहीं। बड़ा पल्ला, क्या सोच रहे हो पंचू दादा? सोच रहा हूँ चोटी की आज वो लाला नहीं छोड़ेगा, उसके पैसों का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। इंतजाम तो यूँ हो जाएगा दादा, आज संडे का दिन है, कोई ना कोई बकरा मिलेगा जरूर, और बकरा नहीं मिला तो मुर्गा कहीं गया नहीं। नहीं यार, तेरी भाभी से मैंने वादा किया था कि ये बुरे काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। लेकिन दादा, ये बुरे काम हम खुद थोड़ी करते हैं, ये तो सब मजबूरी के चक्कर है। लेकिन फिर भी मासूम भोले भाले आदमियों के साथ 420 करना यार मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन दादा, अपने मासूम भोले भाले अशोक का क्या होगा? वो बेचारा पहले से दुखी है, लाला उसका तख्ता उठ कर देगा। देख बच्चा, देखा ये नकली हार अब असली के दामों बिके। बिकेगा। भाई तेरा हाथ है ना, हेड पकड़ता हूं उसको। अरे आप हेड हेड, अरे काय को पकड़ता तुमको? हमको मिला ना, हम नहीं देगा बोलता तुमको। मिला बोला ना, हमको मिला, हम नहीं देगा बोलता तुमको। नहीं देंगे, लूटता है तू, बच्चों की देख के उल देता है। भाई यहाँ तेरा था ना? ना साईं, मुझे नहीं है। देखा भाई, तेरा नहीं मगर देखा तो तुमने था ना, देखा तुमने, उठाया इसने, धर्म के नाते आधा आधा हो गया। बड़ी धर्म कहाँ कल युग में साईं। अरे पर बिजनेस तो है ना, कैसी बातें करती है? देख बे, माई ने हाथ देखा, देखा तूने उठाया, उठाया। माई के साथ आधोआध कर ले वरना थाने ले चलता हूँ। नहीं नहीं, आधा आधा कर लो माई। करते हो? मंजूर? मंजूर है। ले माई, देखना जरा इसका वजन क्या हो। बड़ी 5 तोले होगा। तो लेगा ना, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा मगर इसको आप आधे आधे करेंगे? भाई साहब सुनार के पास चलो। अरे सुनार के बच्चे, हम हद क्यों अपने आप को लफड़े में डालता हूँ, माई को भी लफड़े में डालता है। बात ठीक है, यही फैसला हो जाएगा। माई,
बड़ी साई हमारे पास 200 रुपए हैं। अरे माई 200 रुपए तो बहुत कम होंगे, कम से कम 300 रुपए तो होने चाहिए भाई साहब। अरे 130 का तो भाव है माई, क्या तुम हमको लूटता है क्या भाई साहब? तेरे को 130 का भाव चाहिए? हाँ चलो थाने में दिलवाता हूँ। अरे छोड़ो भाई साहब, तुम तो बात बात पे थाने का बात करता, लाओ माई खाली पीली बंकस करता लाओ। बड़ी खाली पीली हमारा टाइम खराब करता है। देखो जी इसमें शाही 200 रुपया है, तुम बोलो तो हम गिनती करूं? थोड़े कहोगे तुम, दे दो गिनने की क्या जरूरत है, ले ले। मगर माई इंसाफ नहीं हुआ है। अच्छा नहीं, बड़ी जानी बकबक करता है। बस ठीक है, बस उसके लिए पैसा है ना? बड़ी साई क्या बात करता है, हमारा कार खड़ा है उधर। ओ अच्छा, फिर तुम्हें किस चीज की कर, लो तुम्हें हार मिल गया, उस गरीब को 2 पैसे मिल गए। बड़ी तुम अच्छा आदमी है, तुमको भगवान इसका फल देगा। अरे सब भगवान का आशीर्वाद है। मेरा नाम नहीं देख, तुम शरणार्थी हो? पहले था हम शरणार्थी, लेकिन अभी तो हमारा 4 फुट है बेटा। हाँ। 4 बड़ा बड़ा नौकरी करता है। भगवान क्या नौकरी करता है भाई? हमारा पहला छोकरा जो है डॉक्टर है, दूसरा छोकरा है वकील, तीसरा छोकरा ये ओनरशिप पर मकान बनता है ना। हाँ। इनका दलाली करता है, और जो चौथा छोकरा है वो तो सबसे अच्छी नौकरी करता है। बड़ी वो क्या करता है भाई? वो पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी करता है। अरे बड़ी तुम काहे को डरता है? भाई पुलिस का नाम सुनकर तो भगवान की शरण लेता है। बड़ी कभी जरूरत पड़े तो हमारे घर आना, इधर ही रहती है करीब में। धन्यवाद। बड़ी क्या आदमी है। भैया खेल रहे हो या ओनरशिप के फ्लैट बना रहे हो? देखो मुझे विजिट पे भी जाना है, चल चलो। ये लो। हाय मैं मर गई, बड़ी लूट गई, बड़ी माँ लूट गई, पूरे 200 रुपये लूट के ले गए दोनों डाकू। इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, बड़ी सगरे मुँह है दोनों के पेट में, कहीं मिल जाए तो दोनों का मुंह काला कर दूं। किसका मुंह काला करोगी मम्मी? अरे बड़ी पुट्ठू मैं अभी सुनार के यहाँ से आ रही हूँ, वो बोलता है ये असली पीतल है, सगरे मुँह की आंखें फूटेंगे। सीधी बात करो मम्मी, आखिर हुआ क्या है? तो बड़ी क्या मैं टेढ़ी बात करती हूँ पुट्ठू, तुम समझता है क्यों नहीं? वो असली सोना नकली वो पीतल असली सोने के दाम में दे गए सगरे मुए, नरक में जाएंगे सीधे। 420 420 का केस है। देख मोती लूट गए कोई बदमाश मम्मी को। क्या हुआ भैया? छा भैया से छा पूछे है, माँ से पूछ, दुनिया भर में इंस्पेक्टर ही करे है, घर में दिन दहाड़े वो सगरे मुए माँ को लूट के ले गए। बात क्या है मम्मी? छा बात है, तुझा सर है, जा पुट तू बर्फ लेके आ, जा माँ जा भेजा गरम होवे, जल्दी जा। ए भगवान पूरे 200 रुपए है, 4 महीने का असली घी, भगवान छा भूल भाई भगवान। अब शांत भी हो जाओ मम्मी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। छा बेटा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा वो तो चालू है, एक नहीं दो नहीं 4 4 फुट, सब अपनी अपनी धुन में मस्त है, माँ के लिए बड़ी सब बेकार। छा पुट बर्फ। मम्मी मम्मी आप उन गुंडों को पहचान सकती हैं? अरे पुट्ठू उन गुंडों को क्या, उनके बाप को भी 5 कोस से पहचान लूं। ये बड़ी बड़ी तलवार जैसी मूछ थी, उसको देखने में मेरे जैसा हट्टा पुट्ठू, देखने में बैल जैसा हट्टा कट्टा, हराम का खाने को मिलता है ना सगरे मुओं को, और वो उसका साथी बिल्कुल बंदर की तरह था, बोलने में पटर पटर पक 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 करके मेरा भेजा खा गया, असल में देखा जाए तो उसी ने चकमा दिया था। पुट्ठू कीड़े पड़ेंगे, नरक में जाएगा, सत्यानाश जाएगा सगरे मुए का, पुट्ठा बर्फ। घबराओ नहीं मम्मी, पुलिस के हाथों से वो बच नहीं सकते। बचेंगे कैसे वरी, तू इंस्पेक्टर है तो वरी मैं भी तेरी माँ हूँ, मैंने उन चोरों को जो नोट दिए हैं ना वरी, उन पर सरकारी निशान है। तू चोर पकड़ सकता है तो क्या तेरी माँ एक चोर नहीं पकड़ सकती बड़ी पुट? मम्मी तुमने तुम्हें घबराई दिया। अरे पुट इसमें घबराने की क्या बात है, मैं तो मजाक कर रही थी, नहीं तो क्या मैं जान पूछ के चोरी का मार लेती, मुझे तो पहले ही दाल में काला दिखाई दे रहा था पुट्टू, वो तो शक्ल से पक्के चोर लगते थे, हम सोचा बड़ी आज हम भी चोर पकड़ेगा, जा पुट्टू जा जाके पकड़ ले। अरे पुट्टू बर्फ। हे भगवान, अरे सर पर रखने के लिए नहीं, ठंडा पानी पीने के लिए पुट्टू, छा गुरु छा पुट दिए हैं, चार चारों ही बेकार।
भाभी 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 क्या हुआ दादा भैया बोलो ना क्या हुआ दादा भैया को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया कहाँ है वो पुलिस चौकी तू ठहर अभी मैं आती दरवाजा खोलो बहुत देखिए आपकी श्रीमती जी आपसे मिलने आई हैं आइए तुम कहाँ जा रहे हो भाभी से मिलने नहीं नहीं अंदर चलो चलिए दरवाजा बंद करो दरवाजा बंद करो ये तुमने क्या कर डाला तुम्हें इतना भी ख्याल न हुआ कि तुम्हें जेल हो जाएगी तो मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना मैं जीऊंगी कैसे चुप हो जाओ प्रेम जो होना था सो हो जाए अब रोने धोने से क्या फायदा चुप हो जाओ प्रेम तुम्हें मेरी कसम कोशिश करना श्री को इस बात का पता ना चले अब वो दूध पीता बच्चा थोड़ा ही है मैं उसे क्या कहकर बहलाऊंगी थोड़े ही दिनों की तो बात है ईश्वर ने चाहा तो हमारे भी दिन फिरेंगे चलिए देवी जी टाइम हो गया प्रेमा वादा करो तुम कभी नहीं रोओगे मेरी तरफ देखो मुस्कुराओ मुस्कुराओ प्रेमा नहीं तो मुझे कभी चैन नहीं आया सुनो अशोक और श्री अब तुम्हारे जिम्मे दादा तुम रोते रो कहा रहा हूं बच्चू मत नहीं रोया करते मत कभी नहीं रोया करते भाभी देखो भाभी कितने सारे पटाखे हैं ये सब कहां से लाए तो भाभी हमारे क्लास में एक शोभा नाम की लड़की पढ़ती है अच्छा उसकी माँ ने दी है आज दिवाली है ना आज दिवाली है ये तो मैं भूल ही गई थी तो जल्दी से हलवा पूरी बनाओ ना भाभी बड़ी भूख लगी है हलवा पूरी अच्छा अच्छा मैं अभी बना देती हूँ अभी ला श्री अशोक भैया क्यों भाभी को परेशान करते हो घर में खाने के लिए कुछ भी तो नहीं कई दिन से पड़ोसियों से मांग कर तो गुजारा कर रही है बेचारी अच्छा कर दी थी और इस तरह एडवांस बुकिंग हुई है कि बस और डैडी ने आपके लिए बैंगलोर में प्रैक्टिस का इंतजाम कर दिया आप आज ही चले जाना आओ भाषा तुम्हारी सीट भी रिजर्व हो गई है और प्रैक्टिस के नाल सेट भी बना लो ये लो टिकट के नाल माल मुझे ये पैसे वैसे नहीं चाहिए कह दिया ना मैं नहीं लड़ूंगा कहीं नहीं जाऊंगा की रोला पड़ गया समझदारी से काम लो अशोक बाबू आखिर इस तरह कब तक चलेगा
भाभी आप समझती क्यों नहीं, क्या ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रहा हूं? इस जिस्म में अब जान नहीं, समझ लीजिए सोनू के साथ अशोक भी मर गया। अशोक? तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे साथ हम सबको मर जाना चाहिए? अगर तुमने ये फाइट कैंसिल कर दी तो बास मुंह दिखाने का बल ले रहे, समझे मिस्टर अशोक? मैं मजबूर हूँ मुंशी जी, मुझे परेशान ना करो। डैडी ने तुम्हें कीड़े मकोड़ों की जिंदगी से उठाकर इंसान बनाया, फुटपाथ की गंदी नालियों से निकाल कर इस आलिशान फ्लैट का मालिक बनाया। इन सब एहसानों को तुम ये बदला दोगे? ये मुझे पहले ही मालूम था। कान खोल कर सुन लो मिस्टर अशोक, जब आपको डैडी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं तो इस आलिशान फ्लैट में ऐश करने का क्या हक है? ठीक है मैम साहब, श्री कहते हैं मकान, हम मकान खाली कर देंगे। ठीक है, फटाफट खाली कर दो जी, आओ। भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता भाभी, कोई नहीं लड़ सकता। यार बिजू, काफी माल बच चुका है आज, घर में बहुत राशन ले जाऊंगा भाभी के पास, और फिर तुम तो जानते ही हो हमारे घर की हालत। अच्छा शरीक मियां भाई, मैं दूसरे डब्बे में जाकर। अच्छा अच्छा किससे वफा करती है, आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है। भालो माजी के ख्यालों में उलझ कर न रहो, भूली भटकी हुई यादों में उलझ कर न रहो, हाल माजी के ख्यालों में उलझ कर न रहो, भूली भटकी हुई यादों में उलझ कर न रहो। जिंदगी वक्त के धारों पे बहा करती है, आज किसकी कल उसकी, आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है, दौलते ऐश भला किससे वफा करती है,
आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है। चाहे रूठी हुई किस्मत को मनाने की कोई लाख कोशिश करे, बिगड़ी को बनाने की कोई ओ, 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 ओ। चाहे रूठी हुई किस्मत को मनाने की कोई लाख कोशिश करे, बिगड़ी को बनाने की कोई बात होनी है जो वो हो के रहा करती है, आज इसकी कल उसकी, आज इसकी है तो कल उसकी हुआ करती है, आज इसकी है तो कल तुझे क्या हो गया? अब मैं तेरे भैया को क्या जवाब दूंगी? डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है इसकी? सच सच बताइए ना, बात क्या है? चोट गहरी है, हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, खून बहुत निकल गया है, इसके लिए फौरन आप कुछ दवाई ले आए लीजिए। शुक्रिया। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? ये कोई 50-60 रुपए। अच्छा। भाभी, आप इतने पैसे का इंतजाम कैसे करेंगी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। समझ के क्या कीजिएगा अशोक बाबा, श्री तुम्हारे दादा की अमानत है, उसकी जान बचाने की मैं भीख मांगूंगी, चोरी करूंगी, डाका डालूंगी। अगर इससे भी काम न चला तो मैं अपने आप को बाजार में बेच डालूंगी। आप क्या कह रही है भाभी? आप मंचू दादा की बीवी हैं, हमारी भाभी हैं, हमारी माँ हैं, और हमारी माँ बाजार में मिलेंगे कभी? मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। आप श्री के पास बैठिए, दवाइयां मैं लेकर आता हूं। अब क्या होगा? मैच फिक्स कर चुका हूं, लोबो से आखिर कौन लड़ेगा? अशोक के सिवाय उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। 80 ठहरोगे? ये क्या माहौल है मुंशी जी, कहीं तुम्हारी अकल चढ़ने तो नहीं गई? मैं आख्या सी बॉस, कुछ बंदे नु सट्टे और लाठी के सपने आंदे। राती मैनू सपना आया सी कि साढ़े हाथों इच बड़ा एक पंच आ गया है, लोबो चारों खाने चित नजर ना आए तो तुसी मैनू दसो, मैं लड़ूंगा। नमस्ते सेठ जी। अरे सेठ जी गया जहन्नम में। जहन्नम जाए बड़े दुश्मन, जरा देखिए तो कौन नमूदार हो गया है। अरे अशोक तुम? हाँ सेठ जी, मैं लोगों से लड़ूंगा। चलेगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सेठ जी मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। श्योर श्योर मुंशी जी। हाँ जी, मैं अभी उन्हें भावचर लेकर आया, चलिए मिस्टर अशोक मेरे नाल। हिम्मत से काम ले बेटी। हाँ, हाँ, ये पैर जमा के बेटी, पैर जमा के, पैर जमा के, पैर जमा के, ये शाबाश, ये बात है। बापू अब हमसे नहीं चला जाता, अब हम कभी नहीं चल सकता बापू, कभी नहीं। खुदा पर भरोसा रखो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, बैठ जाओ। शाबाश। मुझे 40 साल का तजुर्बा है मालिश का,
तुम्हारे पैर तो सिर्फ पानी से अकड़ गए। अल्लाह गवाह है, मैंने तो जन्म के लंगड़ों को ठीक कर दिया है। तुम भी जरूर ठीक हो जाओगी बेटी। क्या ठीक हो जाएगा मकबूल काका, इतना दिन तो हो गया। जिस भगवान ने 20 समंदर से तुझे बचा लिया, वो चलने की भी ताकत देगा बेटा। भगवान पर भरोसा रख सोनू। हाँ मुकेशकर भाई, जब इसका जहाज डूबा तो उसमें से कोई भी तो बच ना सका। ये परवरदिगार का करम था कि मछली वाले वहां पहुंच गए और इसकी जान बच गई। मकबूल मियां, यूं कहो मछली वालों के रूप में आकर भगवान ने इसकी रक्षा की। बापू, ऐसे लंगड़े लूले बनके जीने से तो अच्छा था कि हम भी उन लोगों के साथ डूब कर मर जाता। लाहौल मिला कुवत, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरने लगी? हम तुमको बंबई ले चलेगा बेटा, उधर बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर है, बहुत सा अस्पताल है, तुम उधर जरूर ठीक हो जाएगा। बापू, तुम फिर बंबई का नाम बोला। तुम बंबई के नाम से चिड़ता काहे को? उधर तो तुम्हारा अशोक बाबू है ना, उसका तो तुम बराबर गुनगाता है। नहीं बापू, ऐसी हालत में हम बंबई नहीं जाएगा। ऐसी लंगड़ी लड़की को कौन पसंद करेगा बाबू? तुम तो बोलता था अशोक बाबू बहुत अच्छा आदमी। हाँ बाबू, वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन हम उस पर जिंदगी भर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। हम बंबई नहीं जाएगा बाबू, हम बंबई कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। पगली है, नादान है, घबरा गई है, बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। अच्छा मकबूल मियां, याद रखना कल इसी वक्त यहाँ आ जाना। अच्छा, हम जाते हैं मोहसर भाई। सलाम अलैकुम। भाभी कहती थी अरे छोड़ो ना मेरा पति, छुड़ा लो। दिल को मिला है दिल का सहारा, साथ न छूटे अब ये हमारा, मुस्कुरा के कदम हम मिला के चले, ये वादा करें जहाँ भी रहे। तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। सोनो
जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज ना दो, वो साज ना दो, आवाज ना दो। मेरे पास एक टिकट फालतू है काका, आपको चाहिए क्या? मगर हमको दो टिकट मांगता। आप एक टिकट लेके अंदर जाइए, मैंने लेडीज क्लास में बिठा देता हूँ। मगर इनका टिकट? इधर का मास्टर अपना दोस्त है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। चलिए देवी जी। बापू जाओ बेटा। और तेरी जिंदगी का सवाल है। उससे लड़ा नहीं जाता। कैसी बात करता है? जरूर लड़ा जाता। मैं अभी दूसरी शीशी लेकर आता हूँ। आइए। बाप रे पंचू दादा। पंचू दादा
अच्छा तुम हो माधव, आ गए अपनी औकात पे। छोड़ दो सोनू को, मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। औकात अभी पता लग जाएगा। Hey!
आज मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। अशोक चैंपियन हो गया, मेरा यार सारे हिंदुस्तान का चैंपियन हो गया। चैंपियन अशोक नहीं, आप हैं। वादा करो आप तो कभी इसे छोड़कर नहीं जाओ। ये वादा करें जहाँ भी रहें।